बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमत कथा सीतामऊ तहसील के गांव खेजड़िया में आयोजित होगी। तय कार्यक्रम के अनुसार 6 जून को भव्य कलश यात्रा का आयोजन होगा, वहीं 7, 8 और 9 जून तक श्री हनुमंत कथा का आयोजन होगा, जिसको लेकर आयोजक समिति कथा की तैयारियों में जुट गई है। कथा के आयोजन को लेकर भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कथा के लिए करीब 10,000 सेवादार बनाए गए हैं, जो कथा के दौरान व्यवस्था देखेंगे। कथा के प्रचार प्रसार के लिए 12 टीमें भी बनाई गई हैं। आयोजन से पूर्व खेजड़िया स्थित श्री हनुमान मंदिर पर भी रंग रोगन किया जा रहा है, वहीं कथा स्थल पर समतलीकरण सहित अन्य कार्य जारी हैं। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 जून को भव्य कलश यात्रा का आयोजन होगा। 7 से 9 जून तक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्री हनुमंत कथा करेंगे, वहीं 8 जून को दिव्य दरबार लगेगा। कथा में 5 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। धरती पर खेजड़िया की पवन धारा पर उन्होंने स्वीकृति प्रदान करी है, जिसमें 6 जून को कलश यात्रा, 7, 8, 9 जून को कथा होगी, 7 जून को प्रारंभ होगी, 8 जून को भव्य दरबार लगेगा और 9 को कथा है और उसके बाद प्रश्नोत्तरी भी वहाँ पर होगी। कितने लोग? तो जिस प्रकार से हमने बिहार में देखा है कि बड़ा उत्साह पटना में दिखा है, 10 लाख पब्लिक वहाँ पर जो अनुमानित है, मेरा तो मानना है कि जो उत्साह कार्यकर्ताओं का यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर हमारे पत्रकार बंधु जो भी लगातार वो भी उत्साहित हैं, पूरी जनता उत्साहित है, धर्म प्रेमी और प्रत्येक समाज का व्यक्ति उसमें अपना योगदान देने को तैयार है। मेरा मानना है कि जो अनुमान है कि जो हमारी तैयारियाँ हैं जो लगातार चल रही है, तो पटना का रिकॉर्ड टूटते भी कोई देर यहाँ पर नहीं लगेगी और यहाँ पर बहुत अच्छी कथा संपन्न हो। इसमें आपसे भी निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन कि आप अपना भी योगदान उसमें रहें और आपका रहे और बहुत अच्छी कथा संपन्न कराने में हम सब एक दूसरे को सहयोग। अनुमानित कितनी संख्या यहाँ आ सकती है? मैंने कहा ना कि पटना का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। सेवादारों की क्या स्थिति है? जी सर, सेवादार लगातार अपना नाम दिखा रहे हैं, ऑनलाइन भी व्यवस्था की गई है, ऑफलाइन भी हमारे मंडल अध्यक्ष महामंत्री के पास नाम आ रहे हैं। मेरा मानना है कि सेवादार करीब 10,000 सेवादार यहाँ पर उपस्थित हैं। बिहार में जो है 10-10 किलोमीटर के जाम लग गए तो यहाँ वाहन पार्किंग के लेके क्या? इसीलिए शासन प्रशासन अपना काम करेगा, वो उन्होंने कलेक्टर और एसपी यहाँ पर स्थान पूरा चयनित करके जो देखा है, चारों तरफ से खेजड़िया की तरफ, मंदसौर की तरफ से, सीतामऊ की तरफ से रास्ता है, श्यामपुर रहीमगढ़ इधर से रास्ता है, हमारे पुरावन और चंद्रवासा की तरफ से जो रास्ते जाते हैं वहाँ पर रास्ता है, उधर अंगारी रुड़ीजा सुहांतरा से जो रास्ता है इधर भी रास्ता है, चारों तरफ से रास्ता है। अभी खेत हमारे खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पर पार्किंग व्यवस्था अच्छी हो, कथा का पंडाल अच्छा बने, भोजनशालाएँ जो वहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे उनके लिए भोजन की व्यवस्था वहाँ पर उसकी भी तैयारी की जा रही है और हर व्यक्ति उसमें चाहता है कि अपना योगदान दें, तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा व्यवस्था होगी और एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर।